मंदिर राम लला का है। राम लला, लला मीन्स चाइल्ड राम। तो जब चाइल्ड हो गया तो 5 वर्ष के चाइल्ड के लिए बन रहा है, अर्थात मूर्ति 5 वर्ष के बाद रखे है। तो 5 वर्ष का बालक का तो शादी हुई नहीं थी तब तक राम नहीं, इसलिए सीता जी मां नहीं है। मंदिर पत्थरों का है, कंक्रीट नहीं है। कंक्रीट नहीं है तो लोहा भी नहीं है, लेकिन पत्थर जोड़ा कैसे जाएगा? तो पत्थरों में पत्थरों की ही कुंजी बनाकर उसको जोड़ा गया है। नीचे के पत्थर में होल है, ऊपर के पत्थर में हुक है, टाइट है। अथवा नीचे भी होल है ऊपर भी होल है, उतने ही मोटा एक पत्थर का गोल कुंजी बनाकर डाल दिया। ये प्रकार नंबर एक। और दूसरा प्रकार पत्थरों को जोड़ने का होता है, कॉपर की, तांबे की कील डाली जाती है। कॉपर और पत्थर दोनों की आयु एक जैसी है, तो पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबा इस्तेमाल किया गया है। पत्थर के चारों ओर एक आयताकार दिखाई दे रहा है, एक आयताकार निकट आएंगे तो दिखाई देगा। ये मंदिर है और ये आयताकार है। इसको परकोटा कहेंगे। ये टेम्पल लैंग्वेज है और ये परकोटे का कॉन्सेप्ट उत्तर भारत में नहीं है, तमिलनाडु में ज्यादा है। आयताकार होता है, इसमें भी 4 मंदिर बनाए हैं, 4 कोनों पर, सूर्य शंकर भगवती गणपति। ये भुजा लंबी है, ये भुजा लंबाई में ज्यादा है, उत्तरी और दक्षिणी। तो यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ एक माता अन्नपूर्णा का। तो परकोटे में 6 मंदिर है। परकोटा डबल स्टोरी है, नीचे का लेवल लोअर लेवल है, उसमें हम अपने ऑफिसेस के लिए छोटे छोटे कमरे निकालेंगे, लेकिन जो अपर लेवल है वो अपर लेवल परिक्रमा के लिए है। भीड़ बहुत है तो जनता सड़क पर न खड़ी रहे, परकोटे में बैठ सकती है, छाया है, सुविधा है। परिक्रमा कर ली तो मंदिर की परिक्रमा हो गई। मंदिर में परिक्रमा में 6 मंदिर हैं, दर्शन किए वापस जा सकते हैं। और ये जो परकोटे की दीवार है ये लगभग 14 फीट चौड़ाई में है, ये कमरे की चौड़ाई के बराबर मान लीजिए 14 फीट है, ये शायद ज्यादा होगा। वो इसीलिए कि अधिक से अधिक समाज को उसमें एकोमोडेट कर सके। मंदिर की रचना परकोटे की इंजीनियरिंग कॉमन है, क्योंकि दोनों की आयु एक जैसी बनाई गई, दोनों ही ये कॉम्प्लेक्स मिलकर मंदिर हो गया। मंदिर के बाहर 7 मंदिर और बनाए गए, 7। एक मंदिर महर्षि वाल्मीकि, दूसरा मंदिर महर्षि वशिष्ठ, तीसरा महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य। ये महर्षि अगस्त्य दक्षिण भारत के संतों में इनका नाम है। राम जब रावण से युद्ध करने के लिए समुद्र के तट पर पहुंच गए तो अगस्त ने राम को एक मंत्र दिया है, इस मंत्र का जाप करो जीत जाओगे।